नमस्कार दोस्तों ऑलराउंडर बात कर रहा हूँ तो कैसे हैं आप सब क्या चल रहा है उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे और मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और मौज में होंगे तो देखो लेट नाइट आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी समय के बाद एक वीडियो मैंने बनाई थी कि जो भैया लॉस में रहते हैं जो भैया ये दलदल में आ गए हैं क्रिकेट की दुनिया में आ गए हैं सट्टेबाजी करने लगे हैं बैटिंग करने लगे हैं जब आप पैदा होते हो तो तब ये चीज़ें सीख कर नहीं आते आप शराब की आदत नहीं सीखते सिगरेट की आदत नहीं सीखते जुआ नहीं खेलना सीखते एकदम फ्रेश होते हो लेकिन कुछ गलत गतिविधियों के चक्कर में आके कुछ गलत लोगों के चक्कर में पड़कर आप ये चीजें सीख जाते हो और ये सब चीजें जब सीखते हो ना पहली दूसरी बार करते हो तो बड़ा मज़ा आता है लेकिन उसको बार बार करने के बाद ये चीज लत लग जाती है छोड़ना भी चाहते हो ऐसा नहीं है कि छोड़ना नहीं चाहते छोड़ना भी चाहते हो जो शराब पीता है वो शराब छोड़ना चाहता है जो गुटखा खाता है वो गुटखा छोड़ना चाहता है लेकिन बात यह है कि एक एडिक्शन होता है एक लत होती है हर चीज की एक लत होती है और लत बहुत बुरी चीज़ होती है अगर लत किसी चीज की अगर पड़ जाए ना जिसको एडिक्शन बोलते हैं तो भैया इंसान बर्बाद हो जाता है तो आज मैं देखो किसी क्रिकेट मैच के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूं हाँ लेकिन क्रिकेट मैचेस हैं स्टार्ट होने वाले हैं 20 सितंबर से आपको क्रिकेट देखने को मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को मिले तक मिलेगा एशिया कप के बाद अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा आपको जो कि ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही है इंडिया के लिए मोहाली में फर्स्ट टी खेला जाएगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा पहला साढ़े सात बजे होगा और भैया इंग्लैंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम के बाद इंग्लैंड टूर कर रही है पाकिस्तान का ये आपको पता होगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट काफी टाइम से बैन था उसके बाद से फिर बड़ी बड़ी टीमें अब जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया टूर करके आई है वेस्ट इंडीज भी टूर करके आई है अब इंग्लैंड की बारी है अब इंग्लैंड को क्या मिलेगा वहां पर पाकिस्तान वाले गिफ्ट देंगे सीरीज पूरी नाम करेंगे अब दो सीरीज होंगी वनडे की और अपनी टी ट्वेंटी की अब दो में से एक सीरीज देखो नाम कर सकते हैं और एक सीरीज अपने पास रख सकता है पाकिस्तान और इंडिया की अगर मैं बात बताऊं तो इंडिया ऑलमोस्ट फेवरेट नज़र आएगा और अभी भी फेवरेट ही है पूरे एशिया कप में भी फेवरेट रहा और भैया ये जो सीरीज में ऑस्ट्रेलिया वाले कितना भी अच्छा कर लें बेशक फर्स्ट टी ट्वेंटी मैच में इतना अच्छा उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा उनका प्रदर्शन हो कि वो इंडिया को बहुत बड़े मार्जिन से हराएं तभी भी नेक्स्ट मैच में इंडिया ही फेवरेट मिलेगी आपको क्योंकि इंडिया के होम टाउन मोहाली में क्रिकेट खेला जाएगा ये तो क्रिकेट तो देखो मिलेगी आपको बीस तारीख से और इस क्रिकेट को देखने के लिए इसका प्रिडिक्शन जानने के लिए अब मैं आपको यहाँ पे दो दिन पहले एक दिन पहले तो डायरेक्टली नहीं बोल के जाऊंगा कि पहला मैच कौन जीतेगा दूसरा मैच कौन जीतेगा क्योंकि क्रिकेट बदल चुकी है मेरे भाइयों अब वो क्रिकेट नहीं रही जो आप देखते थे 2017 2016 2015 में ये साल बाई साल बाई चेंज हो रही है साल दर साल दर चेंज हो रही है 2021 में कुछ और था 2022 में जो चल रहा है इसमें कुछ और है जो 2023 आएगा मुझे तो ये लगता है कि भाई आप खेलने के लिए लायक नहीं रहेंगे और मैं आपको खिलाने के लिए नहीं भी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि क्रिकेट बहुत बदल रही है लोगों की एक्सपेक्टेशन जो सोचते हैं लोग बाग लगाई खाई दो चीजें होती हैं क्रिकेट में एक तो लगाना होता है एक खाना होता है अब ना तो इंसान खा पा रहा है ना लगा पा रहा है जिस दिन खाने जाता है तो उस दिन तो ऐसा मैच होता है कि भैया रेट ही नहीं मिलता साला और जिस दिन लगाने का होता है अगर लगा के भी हम स्ट्रांग टीम के साथ चले जाएं तो उस दिन ऐसा होता है कि भाई जिस रेट में आपने लगाया उस रेट से ऊपर जाता रहता है और दूसरी टीम फेवरेट आ जाती है तो भाई तो मर तो हम दोनों तरफ से रहे हैं चाहे लगा के भी नहीं जीत पा रहे हैं ना खा के भी जीत पा रहे हैं और कुछ मैचेस ऐसे होते हैं आप सही टीम पर बैठे हो टीम आपकी सही है लेकिन लास्ट तक ऐसा गेम कराएंगे ऐसा गेम कराएंगे कि भाई आपका पसीना छूट जाएगा आप सही टीम छोड़कर गलत टीम की ओर चले जाओगे और जीतेगी आपकी टीम जो कि आप फर्स्ट टाइम से उस टीम पर बैठे हो क्रिकेट ऐसी हो गई है ना तो कोई स्ट्रांग ना कोई वीक ना किसी को कमजोर बोल सकते हैं ना किसी को मजबूत बोल सकते हैं अपने दिन पे कोई भी कुछ भी कर सकता है चाहे वो जिम हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो इंडिया हो जिम वालों ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था अभी कुछ दिन पहले मैचेस में ओडीआई सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया पैक टीम पूरी की पूरी पैक टीम मैक्स बेल फिंच स्टीवन स्मिथ मार्किन स्टोनिस स्टार्क पूरी की पूरी पैक टीम और उसके बाद भी तीन पैसे का जैकपॉट उड़ा दिया और जिम को जिता दिया क्योंकि जिम के होम टाउन पे ये मैच खेल रहा था और एशिया कप की बात कर लीजिए आप एशिया कप में ही देख लीजिए आप श्रीलंका श्रीलंका एक ऐसी टीम थी जिसको किसी ने प्रिडिक्शन भी नहीं किया था कि वो भैया फाइनल में पहुंचेगी और वो फाइनल जीती है क्यों जीती है उसके भी काफी रीजन होते हैं अब मैं इस वीडियो में देखो वो रीजन कवर नहीं कर पाऊंगा तो इन चीजों को देखो इंपॉर्टेंस दिया करो सोचा करो समझा करो अब क्रिकेट बैट और बॉल का नहीं रह गया क्रिकेट विराट कोहली और बाबर आजम और ये जो बड़े बड़े प्लेयर का नाम ले रहा हूं इनके ऊपर डिपेंड मत रहो अब क्रिकेट अपने दिमाग से खेलो दिल से मत खेलो कि भाई विराट कोहली है विराट कोहली जिताएगा रन चेस करेगा जहाँ पे मार्कोट मार्केट का लोड ज़्यादा होता है उसी टीम को गिरा दिया जाता है और जिस दिन मार्केट का लोड नहीं होता उसी टीम को जिता दिया जाता है ऑलमोस्ट आपको पैसे आपकी जेब में नहीं देगा बुकी आज मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ कम्युनिटी गाइडलाइन को तोड़ रहा हूँ अगर भाई स्ट्राइक आती आती है इस वीडियो में तो भाई बहुत दुख होगा बहुत दुख होगा मुझे लेकिन मैं क्या करूँ कुछ चीज़ें हैं ऐसी आपको बताना है मुझे क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे मैंने एक पुराना वीडियो डाला था काफी लोगों ने देखा है नौ हजार लोगों ने उसको देखा है नौ से दस हजार लोगों ने देखा है डिमांड भी की है कि भैया सेकेंड वीडियो डालो आप और आपकेंड वीडियो डालने का पूरा का पूरा मन तो नहीं है मेरा लेकिन मैं कुछ टॉपिक हैं कुछ टॉपिक है मेरे छोटे और मेरे बड़े भाइयों के लिए वो टॉपिक को लेकर मैं बता रहा हूं आप लोगों को तो ध्यान से सुन लीजिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं और जो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं वो ध्यान से सुनना जिस लाइन में अगर अभी आए हो आप करेंटली एक दो महीने से या फिर आप आना चाह रहे हो अगर आपको दूर से देख के लग रहा है कि इस लाइन में मेरा फ्रेंड बहुत कमा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पैसा आया तो ये गलत है इस लाइन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ये कड़वा सत्य है अगर आप अनाड़ी हो तो अगर खिलाड़ी हो तो भी देखो खिलाड़ी भी फेल है यहाँ पे अच्छे अच्छे धुरंधर अच्छे अच्छे बुकी भी फेल है यहाँ पे किसी की नहीं चलती कोई भी वहां पे दुबई में बैठा नहीं है किसी का बाप बीसीसीआई में और आईसीसीआई में उनके चाचा नहीं बैठे ये बात ध्यान रखना सबके फेल हो जाते हैं अगली बॉल में क्या होने वाला है या अगले बॉल में अगले ओवर में कितने रन आने वाले हैं किसी का चाचा प्रिडिक्शन नहीं कर रहा आपका ये तो वही वाली बात हो गई ना भविष्य देखने वाली बात तो भविष्य दस मिनट पहले दस मिनट बाद का कौन देख सकता है कोई नहीं देख सकता भगवान ही जानता है ये तो बा कि क्या होगा क्या नहीं होगा अगर फिक्सिंग भी है तो ये उनको पता ही आपको पता नहीं है अगर कोई आपको बकलाता है बोलता है बहलाता है फुसलाता है कि भैया हमें सब पता है तो उनकी बातों में मत आना अपना पैसा बर्बाद मत कर देना उनके लिए क्योंकि वो आपसे पेड़ में भी पैसा मांगेंगे फिर उसके बाद जब आपका पैसा मोटा पैसा जाएगा उनके चक्करों में तब आप रोगे बैठ के उनका कुछ नहीं है एक बार ब्लॉक कर देंगे वो आपको आप कुछ नहीं कर सकते उनका तो ध्यान से सुनना रूल नंबर वन बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए तो ध्यान से सुनना जो नए आए हैं और जो पुराने हैं इस खेल में तो नए वाले पहली बात तो ये कि आप दूर ही रहो इस चीज़ से तो ज्यादा अच्छा होगा अब लेकिन आपके ज़्यादा चुलबुली है अंदर नहीं मन मान रहा आपका आप खेलोगे मेरे बोलने से कुछ नहीं फर्क फर्क पड़ता आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता तो भाई आप आजमा लो और इस वीडियो को सुन लेना दो महीने बाद पाँच महीने बाद एक साल बाद और फिर ये जरूर कमेंट लिख देना नीचे कि सर आपने सही बोला था इस चीज़ से दूर रहो आप सही थे हम गलत थे आजमा लीजिए आप आपके ज़्यादा चुलबुली है तो अब जो लोग देखो खेलेंगे ही नहीं मानेंगे एडिक्शन है लत है नहीं रोक पा रहे अपने आप को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज चलेगी तो भैया उसमें भी खेलेंगे या कोई अच्छा सा मैच दिखता है उसमें भी खेलेंगे लेकिन खेलेंगे जरूर या आईपीएल आईपीएल खेलेंगे तो उनके लिए देखो मैं सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ सबसे पहली बात तो एक टारगेट सेटअप करो अगर आप हारते हो तो हमेशा हारने वाले लोगों की बात कर रहा हूं मैं जो जीतता है तो वो स्मार्ट है उसको ज़्यादा मैं बोता बताऊँगा नहीं उसको सब कुछ पता है मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है उसको और जो हारता रहता है हमेशा कभी भी प्लस नहीं हो पाता डर उसके मन में भर चुका है ज़्यादा पैसा दे चुका है अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा जो कुछ भी था सब दे चुका है बुखी को तो उसको बता बता रहा हूँ मैं सबसे पहली बात तो ये एक टारगेट सेटअप करो अगर आप जॉब करते हो या फिर कुछ भी करते हो अगर महीने में आपको बीस हजार रुपये सैलरी मिल रही है तो भैया उसका पांच हजार रुपये आप किस्मत के नजरिए से उसको निकाल दो ये सोचो कि मैंने कुएं में फेंक दिए महीने में एक बार की बात कर रहा हूं मैं ये नहीं है कि बीस हजार की सैलरी में पांच हजार डाला गया तो अगले दिन फिर पांच हजार डाला गया तो फिर अगले दिन तो भाई खाओगे क्या फिर और खिलाओगे क्या फिर पांच हजार रुपए अपनी किस्मत आजमाने के लिए कुएं में डाल दीजिए और फिर वेट करिए किसी अच्छी सीरीज का किसी अच्छे मैचेस का मैचेस देखो कभी बंद नहीं होते तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं और तीन सौ पैंसठ का अगर डबल कर दो उससे भी ज्यादा आपको मैसेज मिलेंगे मैचेस मिलेंगे कंटिन्यू एक एक दिन में तीन तीन चार चार मैच होने लगे हैं एक खत्म दूसरा चालू दूसरा खत्म तीसरा चालू आपको पता नहीं होगा कि कौन से मैच में कौन सा बैट्समैन खेल रहा है कौन सा बॉलर खेल रहा है आप कुछ भी नहीं जानते बस आपने देखा कि भाई ये टीम फेवरेट है ये टीम अनफेवरेट है आपने लगाई खाई कर दी फिर उसके परिणाम आपके सामने होते हैं तो सबसे पहली बात तो मैं यही बताऊंगा कि सब्र करो अच्छे मैचेस का वेट करो प्लेयर को जानते हो स्ट्राइक रेट जानते हो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता ये चीजों का वेट करो जैसे कि अभी मैचेस आने वाले हैं अभी मैचेस देखो बहुत चल रहे हैं क्रेबियन प्रीमियर लीग चल रही है लेकिन भैया बहुत बाईजात लीक है फुल टू फिक्सिंग वाली लीक है कुछ भी नहीं है उस लीक में ना लगाने के लिए ना खाने के लिए कोई टीम का अगर टारगेट 120 जा रहा है कभी किसी टीम का टारगेट 190 जा रहा है एकदम से पता चलता है चेस होने वाला है एकदम से पता चलता है कि विकेट पे विकेट विकेट पे विकेट गिरने लगे हैं तो ऐसे मैचेस पे भरोसा नहीं किया जाता ये टोटली मार्केट लोड पे चलते हैं जहाँ पे पैसा ज़्यादा शिफ्ट होता है उसको एकदम से पटका जाता है चलता तो मार्केट लोड सब मैचों में लेकिन भैया ऐसे मैचेस में कि एकदम से आपको अपाइज कर दिया जाए मौका ही नहीं दिया जाए आपको अपने पैसे सेव करने का ऐसे मैचों को स्किप कर दो ऐसे मैचों को छोड़ दो अभी देखो अच्छे मैचों का बेट करने का तरीका मैं बताता हूं आपको जैसे कि आपने बेट किया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चालू हुई और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की भी सीरीज चालू हुई आप सोच लो समझ लो कौन से मैचेस आपको खेलने हैं अब इंडिया वाला आपने सोचा कि भैया हम इंडिया वाला खेलेंगे आपने पोजिशन देखा कि इंडिया के दो विकेट गिर गए हैं और भैया आपको हैवी रेट से ऑस्ट्रेलिया फेवरेट नजर आ रही है लगता है आपको कि भैया यहाँ पे सूर कुमार यादव और ऋषभ पंत यहाँ पे एक छोटी सी पार्टनरशिप लगा के मैच को आगे ले जा सकते हैं तो आप वहाँ पे खाई भी कर सकते हो चालीस पचास पैसे का रेट है ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है वहाँ पे अगर आपने खाई की और वो पार्टनरशिप ऊपर गई और पता चला कि भाई 40 रन पर ऋषभ पंत ने 60 रन की पार्टनरशिप लगा दी है दोनों ने मिलकर सूर कुमार यादव वर्सेस ऋषभ पंत ने तो भाई वो टीम 90 पैसे पहुंची है तो जो 40 का माल था वो 90 पैसे पहुंचा तो बीच का जितना भी मार्जिन बचता है आपका वो आप हटा सकते हो और आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों टीम पर बना सकते हो और आपको अगर फुल टू लग रहा है कि भैया यहां से पार्टनरशिप बनी है और बैकअप में हमारे और भी अच्छे हार्दिक पांडे आने वाले हैं अब इंडिया फेवरेट मिल दी थी है आपको बेट कर लीजिए वहां पे इंडिया फेवरेट मिलती है अंडर सत्तर पैसे अस्सी पैसे तो आपका चालीस पैसे ऑस्ट्रेलिया फेवरेट से खाया हुआ पूरा माल आप दोनों टीमों पर शिफ्ट कर देना तो आपका दोनों का टीमों का मार्जन मिल जाएगा आपको अब लिमिट आपके हिसाब से है कि आप कितना खेलते हो तो ये होता है देखो ट्रेडिंग करना अगर चाहते हो तो मैचेस आप प्ले कर सकते हो हमेशा और आप एक ही टीम पर बैठ कर देखना चाहते हो तमाशा तो तमाशा एक दिन देख पाओगे तो चार दिन बुकी देखेगा आपका तमाशा आप एक दिन देखोगे लेकिन चार दिन आपका बुकी देखेगा मौके मिलते हैं उन मौकों को बुनना सीखिए, उन मौकों को चौका मारना सीखिए तभी आप मैच में सरवाइव कर पाओगे लंबे समय तक इस मार्केट में टिक पाओगे कितना कमाते हो आप क्या करते हो ये मुझे जानने का मन भी नहीं है और आप बताना भी मत मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि चाहे वो छोटा बंदा हो चाहे वो बड़ा बंदा हो चाहे वो बीस हजार कमाने वाला हो चाहे वो दो लाख रुपए महीने कमाने वाला हो सबके पैसे सेम बराबर होते हैं सबके पैसे की अहमियत मैं समझता हूं और इसी वजह से कह रहा हूं बीस हजार वाला भी अगर ट्रेडिंग करके दो हजार रुपए अगर कमा लेता है पर मैच में और महीने में अगर पांच मैचेस में उसने दस हजार रुपए कमा लिए तो वो तीस हजार वाला आदमी बन गया ट्रेडिंग कर कर आपकी भी फैमिली है आपके भी बच्चे हैं आपका भी सब कुछ है पूरे दिन बैठ के मैच प्ले करके रिस्क लेके पैसा कमाना चाह रहे हो एक ही बार में लखपति बनना चाह रहे हो तो डिसाइड कर लो मिलेगा तो बहुत मिलेगा लेकिन भैया जिस दिन जाएगा तो सब कुछ जाएगा आपका रिस्क है तो स्क है लेकिन परसेंटेज यही है फिफ्टी फिफ्टी वाला मिलेगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा जबरदस्ती नहीं है उसमें लेकिन ट्रेडिंग में आपको हंड्रेड परसेंट नब्बे परसेंट आपको चांसेस मिलेंगे कि आपको पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है कि मैं देखो प्रिडिक्शन ये नहीं कि ट्रेडिंग कराता हूं मैं प्रडिक्शन भी देता हूँ मैचेस भी बताता हूँ सब कुछ करता हूं मौके पे चौका भी लगाता हूं कोई नौसखिया नहीं हूँ मैं कि आज यहां पे वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा हूं मैचेस बहुत चल रहे हैं कुत्ते भूखने वाले टेलीग्राम पर भूक रहे हैं लेकिन बात सिर्फ यही है कि भैया हम उन्हीं मैचों में काम कराते हैं जो हमें समझ में आता है हम उल्टे सीधे मैचों में काम नहीं कराते हम क्रेबियन प्रीमियर लीग जैसे मैचों में काम कराना बंद कर दिया हमें लगेगा कि हमें सही लग रहा है मार्केट है एक्टिव मार्केट भी बहुत चतुर हो गई है वो भी उल्टे सीधे मैचों में काम नहीं करना चाह रही करने वाले कर रहे हैं लेकिन हर बंदा नहीं करना चाहता देखो पैसे की इंपॉर्टेंट बहुत है अभी आप जानते हो कि कोविड से उभरे हुए हो सभी लोग पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे उल्टे सीधे अरे गेरे नत्थु खहरे मैचों में आप नहीं कमाना चाहते अपना पैसा तो ध्यान से सुनिए इस बातों को इन बातों को फॉलो करिए कोई आप टाटा बिरला अनानी ग्रुप के सदस्य नहीं हो कि जितना भी जाएगा एक हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा आप अच्छा जीवन जी रहे हो उस जीवन को नरक मत बनाइए और हो सकता है तो इसको छोड़ दीजिए और नहीं होता तो भैया ट्रेडिंग करना सीखिए अगर ट्रेडिंग करना नहीं आता तो भैया व्हाट्सअप पे नंबर दूंगा मैं हाथ पकड़ के ट्रेडिंग करवाऊंगा आपको बताऊंगा भी ऐसे की जाती है ट्रेडिंग मजा ना आए तो भैया नाम बदल देना मेरा अगर आपको मजा ना आए कितना कमाना चाहते हो एक लाख रुपए की लिमिट लेके बैठते हो अगर भैया महीने में आपने पचास हजार रुपये भी कमा लिए तो क्या बुरा यार क्या बुरा है मेरे भाई मैचेस चलते रहेंगे सीरीज चलती रहेंगी अच्छे मैचेस में ही काम कराऊंगा और माइंड में भी रिलैक्सेशन होना चाहिए जरूरी नहीं है कि भैया ऑल टाइम मैचेस 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 भाई पैसा कमा लिया उसको खर्चा भी करो एंजॉय भी करो बीवी बच्चों को ले जाओ घुमाने फिराने ऐस कराने ये क्या मतलब है कि भाई आप पचास कमाए तो आप एक करेंगे एक से फिर दस करेंगे ऐसे नहीं कमा पाओगे आप एक कहावत सुनी होगी सौ सुनार की तो एक लोहार की ज्यादा अगर उड़ोगे तो गिरोगे और आराम आराम से अगर चलते चलोगे तो लंबे समय तक चलते रहोगे बुकी भी आपका परेशान हो जाएगा बोलेगा भाई यार ये तो पैसा देता ही नहीं है लेता ही है ये तो अफसोस करना नहीं है कि भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है और मैंने आपको ट्रेडिंग करा के यहाँ पे दस हजार रुपये बनवाए हैं और जो टीम दी वो टीम जीती आपको मिल सकता था यहाँ पे पचास हजार लेकिन रिस्क फ्री होकर आपने इस मैच में मैंने आपको दस हजार रुपये कमा के दिए अब आप सोचो कि अरे पूरा लगा होता तो दस के बदले पचास मिलते तो जरा ये भी सोचो कि अगर चला जाता तो, तो क्या होता फिर तो से फिर ये होता कि आपकी लिमिट खत्म हो जाती लिमिट से फिर आप मैचेस नहीं खेल पाते जो आने वाले हैं उनसे फिर आप जो पैसा हारे हो उसको रिकवर करना पड़ता सबसे बड़ी तो रिकवरी होती है ना जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं फ्रेश माइंड से अब हमें वहां पर पैसा अगर मिल रहा है तो हम उस पैसे को एक्सेप्ट करें ले लें ये नहीं है कि भैया मैचेस पूरा कंप्लीट होगा हम इंडिया जीतेगी तो ही उस चीज पर डिपेंड होंगे अगर उस चीज पर डिपेंड होना चाह रहे हो आप लोग तो एक दिन जीतोगे दो दिन जीतोगे लेकिन तीसरे दिन इतना बुरा हारोगे जितना भी कमाया है वो जाएगा साथ में आपका टाइम भी खराब हो जाएगा अब आप अगले मैच में जब आओगे ना लिमिट लेके तो भाई जो पैसा था ना वो चला गया आपका उस पैसे को रिकवर करने के लिए मैचेस प्ले करोगे ना कि जीतने के लिए और इसी चक्र व्यू में फंस जाओगे आप रिकवरी 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 और ये रिकवरी शुरुआत हुई थी दस हजार से अब पहुंची है दो लाख पे आप जीतने के लिए अब नहीं खेल रहे हो अब ये सोच रहे हो आपके मन में एक छोटा सा लालच है जो पैसा मेरा गया है वो पैसा अगर मेरा मुझे मिल जाए इस चीज़ से निकल जाऊंगा अब मैं कभी भी मोड़ कर नहीं देखूंगा लेकिन यही एक चक्र व्यू है उस चीज़ से आज तक ना कोई निकल पाया है ना कभी निकल पाओगे ना रिकवरी किसी की कभी पूरी कंप्लीट हुई है ना होगी क्योंकि ये लालच वाला गेम है हमारे भाई इसमें लालच ही लालच है लालच ही लालच और लालच ही इंसान को मारता है देखो काफी एक्सप्लेन किया है मैंने और मैं ज्यादा चीजें देखो खुलकर नहीं बोल सकता कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से यहाँ पे वीडियो डिलीट हो सकता है मेरा काफी अच्छी तरीके से समझा सकता हूं लंबे समय तक आपको चला सकता हूं कहा लगाई करनी है कहां खाई करनी है कहाँ लॉसकट कहा करा सकता हूँ उठेगा क्या गिरेगा ये भी बता सकता हूं लेकिन आपको मेरी आवाज से आवाज मिलाकर चलना पड़ेगा तभी मैं आपका कुछ भला कर सकता हूं एक दिन में लखपति बनने की कोशिश करोगे तो भाई और किसी को ज्वाइन कर लीजिए ये सत्य है इसमें किसी को कुछ भी नहीं पता ये सत्य है ये कोई अगर बड़ी बड़ी डीके हाँक रहा है कि भैया ये है वो है फलाना है ढिकाना तो ये चूतिया बनाने वाली बातें हैं ये सबकी दुकानें चल रही हैं इसलिए जब इतना ही पता है तो भैया उनसे पूछिए कि आपने क्यों नहीं किया इंडिया जीतेगा परसों तो क्यों नहीं लगा देते आप चार पांच खोके आपको प्रिडिक्शन क्यों ले रहे हैं आपको प्रिडिक्शन क्यों दे रहे हैं दो हजार आपसे क्यों डिमांड कर रहे हैं भाई औकात नहीं है ना जो इंसान खुद बता सकता है किसी दूसरे इंसानों को तो वो अपना भला क्यों नहीं करेगा सबसे पहले ये बताइए ये तो वही वाली बात है कि मेरे पास अमर होने वाली दवा है मैं आपसे बोलूं कि ये दवा ले लो अमर हो जाओगे मरोगे नहीं और आपने मुझे दस हजार रुपये दे के वो दवा ले ली और मैं जब मैं आपको दस हजार रुपए दे के अमर होने वाली दवा दे सकता हूं तो भैया सबसे पहले तो मुझे पीनी चाहिए ना वो अमर होने वाली दवा सोचने वाली बात है भैया दिमाग लगाओ पागल मत बनो यहां वहां घूम के यूट्यूब पे वीडियो देख के लोगों के चक्कर में फंसते हो आप लोग अगर भाई चांस आपके लिए कोई जेनुअन तरीके से मेहनत कर रहा है दिन रात एक कर रहा है एनालिस कर रहा है रिपोर्ट बना रहा है और वास्तव में आपको प्लस करा रहा है तो उसको फॉलो कीजिए ये नहीं बोल रहा मैं लेकिन कोई इंसान डीके हा कर रहा है भैया ये ही होगा तो यही होगा ये होगा तो होगा ये जीतेगा तो जीतेगा तो ये चीजें देखो उससे बोलो कि जीतेगा तो तुम क्यों नहीं जीत गए आज मैं थोड़ा लाउडली बात कर रहा हूं बुरा मत मानना मेरे छोटे मेरे बड़े भाइयों बस इतना ही बोलूंगा कि अपना पैसा अपना टाइम बर्बाद मत करो समय भी बहुत कीमती है आपका पैसा भी बहुत कीमती है समय और पैसा एक साथ जाएगा ना तो जो भी आपके साथ है ना वो भी आपका साथ देना बंद कर जाएंगे क्योंकि सुबह होती है शाम होती है समय किसी के लिए रुकता नहीं है फिर सुबह होती है फिर शाम होती है समय किसी के लिए भी नहीं रुका ना रुकेगा और पैसा एक बार भी चला जाता है ना तो वो ईजिली तरीके से चल के आपके पास नहीं आता उसको कमाना पड़ता है उस पैसे को कमाने के लिए उठना पड़ता है तब पैसा आता है मेरे भाई तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि मेरे छोटे और मेरे बड़े भाइयों को समझ में आया होगा कुछ इन चीज़ों से निकलो अगर नहीं निकल पा रहे हो तो जो बताया है ट्रेडिंग का दौर बिजनेस इसको बिजनेस की तरीके से खेलना स्टार्ट कर दो ना कि भाई सट्टे की तरीके से तभी आप सक्सेस ना हो तो मेरा नाम बदल देना कम कमाओगे लेकिन फ्रेश तरीके से कमाओगे अच्छा कमाओगे डेली कमाओगे और बिजनेस करने में देखो कोई भी हर्ज नहीं है बहुत से लोग शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं बहुत से लोग ट्रेडिंग का तो मैं ट्रेडिंग करा के आपको पैसे कमाने की बात कर रहा हूं तो इसमें कोई गलत नहीं है ट्रेडिंग भी कराएंगे और वन साइड शॉट भी खेलेंगे ऐसा नहीं है कि भैया हर मैच में ट्रेडिंग हमें लगेगा कि भाई जाने दो पूरा का पूरा माल आने दो तो वो भी आएगा लेकिन हर मैच में नहीं उल्टे सीधे एरा खेरा नत्थ खेरा जैसे हम नहीं जानते आप भी नहीं जानते और लालच में लगे हुए हैं भाई आ जाए दूर में लठा लग जाए तुक्का लगे बात बने तो ये चीज़ें देखो डिपेंड नहीं करती मेरे ऊपर दस काम दस दिन काम नहीं कराऊंगा तीन महीने काम नहीं कराऊंगा जब कराऊंगा तो हंड्रेड परसेंट सुपर स्योर कराऊंगा आप जानते हो आईपीएल में मैं रुकता नहीं हूं सत्तर मैचेस होते हैं सत्तर मैचेस प्ले कराता हूं पेड़ में भी काम कराता हूं और पूरे मन से तन से धन से काम कराता हूं लेकिन आईपीएल के बाद मेरा काम आपको देखने को मिला होगा कि मैं लिमिटेड ही मैचेस कराता हूं एशिया कप में कुछ मैचेस मैंने कराए थे अभी लोग लगे हैं सी पी भी ले लो की भी ले लो टी भी ले लो ई भी ले लो टी भी ले लो पता नहीं कौन कौन सी ली के सब ले लो खुद को पता नहीं है कौन सा प्लेयर है तो ऐसे मैचों में देखो यार पैसा वेस्ट मत करो समझ जाओ यार अभी भी मौका है कुछ नहीं बिगड़ा रिकवरी कर लेंगे जब एक इंसान पाँच हजार से पाँच लाख रुपए रिकवर कर सकता है मेरे साथ तो भाई कुछ नहीं बिगड़ा कुछ नहीं बिगड़ा धैर्य रखो संयम रखो सब कुछ होगा रिकवर यहीं होगा इत ही होगा बस इतना ही बोल के जा रहा हूँ वीडियो बनी रहेगी तो अच्छी बात है ज़िंदाबाद और नहीं बनी रही तो भैया दुआओं में याद रखना आपका भाई ऑलराउंडर रात के बारह बजे वीडियो बना रहा है आप लोगों के लिए और लास्ट में जाते जाते सिर्फ यही बोलूंगा कि ये ऑलराउंडर फैमिली के नाम से जो चैनल शो हो रहा है मेरा टेलीग्राम पे तो उसको जाइए ज्वाइन कर लीजिए बहुत कुछ जानने को मिलेगा बहुत कुछ पहचानने को भी मिलेगा इसमें और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा और अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो भैया प्रॉब्लम में चल रहे हो समझ रह, समझता हूँ मैं भाई प्रॉब्लम में चलते हैं तो मन होता है किसी से बात शेयर करने का तो उस बात को समझूंगा मैं और उस चीज़ का सॉल्यूशन भी दूंगा तो नंबर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा तो टेलीग्राम से मेरा नंबर ले, ले लेना मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना तो तब तक के लिए ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिए आपका भाई ऑलराउंडर मिलता हूँ आप